हिमालयस के ऑफ बीट विलेजेस को एक्सप्लोर करने की जर्नी में मुझे काफी सारे रियलाइजेशंस हुए, और उनमें से एक ये था कि किसी भी नई जगह को एक लोकल की नजरों से देखा जाए तो कुछ ऐसी बातें पता चलती हैं जो आपको कोई नहीं बता सकता। तो बस इसी एक्सप्लोर विद अ लोकल माइंडसेट के साथ मैं पहुंच गई हूँ यमुना नदी के किनारे बसे पेठों के लिए मशहूर शहर आगरा में। और इस ट्रिप की खास बात यह है कि मैं आपको दिखाऊंगी आगरा के कुछ ऐसे साइट्स जो शायद एज अ टूरिस्ट आप मिस कर जाएं। तो चलते हैं इस सफर पे जिसको हम कहेंगे आगरा बियॉन्ड ताज। This trip, Himanshu. Hi. Hello. You might have seen him in the Jaipur video and the Run of Kutch video. So, हम लोग साथ में shoot करने वाले हैं आगरा में, which I am really looking forward to. Are you? Same here. Okay, great. अभी हम कहाँ जा रहे हैं? Taj Mahal. Are you excited? It's your first obviously, time. Obviously, it's 6 in the morning, and what better time to visit Taj Mahal than sunrise itself? Yes, absolutely. I know ये video आगरा beyond ताज है, लेकिन आगरा आप नहीं छोड़ सकते without visiting the ताज महल। उसके अलावा वाली चीजें भी कर लेंगे। Beyond ताज जाने के लिए पहले ताज चले जाते हैं, and then we'll go beyond ताज। ताज नाम से जितने भी आप परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस लगा सकते हो ना, उस नाम के शॉप्स और होटल्स हैं यहाँ पे। ताज स्ट्रीट होटल, आपका ताज एक्स वाई जी होटल, ताज दिस, ताज दैट, ताज प्लाजा, ताज रॉयल, ताज एवरीथिंग। ये सारे ताज से गुजर के हम देखने जा रहे हैं ताज महल। जो सचमुच असली ताज महल है, नॉट फ्रॉम बंटी एंड बबली। You take over my vlog today. But jokes apart, he is a commercial and film लास्ट टाइम यहाँ पे आई थी तो आई हैड नॉट कम टू दिस एरिया। यहाँ पे मॉस्क है एंड इसके आर्च से आपको पूरा ताजमहल दिखता है। आपने बहुत बहुत सारे फोटोज देखे होंगे यहाँ से, एंड मैंने भी देखे थे, बट नाउ आई नो कि वो कहाँ से होता है। एंड द गुड पार्ट इज़ कि बाकी सारे एरियाज में अभी बहुत बहुत लोग आ चुके हैं, बट यहाँ पे फिर भी बहुत लिमिटेड है। हमें आए हुए हो चुके हैं 3 घंटे आई गेस, एंड हमने बहुत सारे शॉट्स लिए हैं, बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें देखी हैं। एंड हाउ डिड यू लाइक इट? वाज योर फर्स्ट टाइम इन ताजमहल? सबसे ज़्यादा अच्छी बात अगर मैं कहूँ यहाँ की क्या लगी, मुझे लगा यहाँ पर सिमेट्री बहुत अच्छी है चारों तरफ। कहीं पर भी जाएँ, जब आप ये सोचते हो कि कितने सालों पहले इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था, उसके अकॉर्डिंगली मतलब आर्किटेक्ट्स, मैथमेटिशियंस जिन्होंने भी वो कैलकुलेशंस किए हैं, जो भी किए हैं, कैसे मेजरमेंट्स नहीं हैं। अभी मॉडर्न टाइम में तो हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं, तब नहीं थे। तो ये सब सोच के व्हेन यू आर लुकिंग एट दैट ना, बहुत अमेजिंग लगता है। सो दैट इज़ व्हाट वी लाइक्ड। एंड द बेस्ट पार्ट वाज कि जब आप मैं लास्ट टाइम जब मैं भी आई थी, तब मैं इतनी क्लोज नहीं गई थी ताजमहल से। सो दिस टाइम आई एक्चुअली ऑब्जर्व दोज एनग्रेविंग्स, एंड यू नो लाइक क्लोजली आई गॉट टू सी दैट मार्बल जिसके बारे में बात होती है, जिसके बारे में दुनिया आती है दूर दूर से देखने। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। So let's go and let's see what else we are gonna do in Agra beyond Taj. Udit, who is our host at Eka Villa, he took us to this really, really amazing place called New Pushpak Mishthan Bhandar, I think. And वहाँ हमने
खाया बेड़ई सब्जी का नाश्ता। आगरा में जब आप आए हो तो बेड़ई सब्जी खाए बिना आप नहीं जा सकते। आई हैड सोन पापड़ी, वी हैड बालू शाही, वी हैड केसर बादाम का मिल्क। और आप जब बहुत सारा फ्राइड खा लेते हो तो यू नो यू टेन टू फील बैड आफ्टरवर्ड्स, बट ये क्योंकि देसी घी में बना हुआ था तो नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, फील इट स्टिल फील्स लाइट। मैं हाईली रिकमेंड करूंगी कि व्हेनेवर यू कम हियर डू नॉट मिस आउट न्यू पुष्पक। एंड क्या करने वाले हैं बहुत ही डिफरेंट सी चीज एक्सपीरियंस। तो पुराने जमाने में जब इवेंट्स हुआ करते थे तो पंगत जमाई जाती थी, यानी खाना खिलाया जाता था जमीन पे बिठा के एक लाइन से पत्तल में, एंड बहुत सारी वैरायटी होती थी। आई हैव आल्सो पर्सनली सीन इट इन अ लॉट ऑफ इवेंट्स जब मैं अपनी नानी के घर जाती हूँ। और यहाँ पे भी वो यूनिक एक्सपीरियंस है थोड़ा सा मॉडर्नाइज्ड वे में, तो इसको बोलते हैं पत्तल की दावत एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। ओह आल्सो फॉर दोस ऑफ यू हु डू नॉट नो व्हाट पत्तल इज, तो पत्तल सूखे हुए पत्तों से स्टिच की हुई प्लेट होती है, तो 100% sustainable. So let's just wait for it now. So after having a very satisfying meal at Eka Villa, honestly it was like comfort food, it was like घर का खाना। जब आप वेकेशन पे होते हो तो आप कभी कभी क्रेव करते हो कि आपको अच्छा न्यूट्रिशियस एकदम यू नो घर के खाने जैसा मिल जाए, एंड दैट इज़ वॉट द फूड फुलफिल्ड। सो वेरी नाइस, हाईली रिकमेंडेड। एंड उसके बाद अब हम पहुँच गए हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग जगह जो आपको मेरे पीछे दिख रही है, कॉल्ड बेबी ताज। इसकी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं। आई फील लाइक द होस्ट ऑफ एका विला हु इज विद अस, हु इज टेकिंग अस अराउंड टू ऑल दीज इंटरेस्टिंग प्लेसेस, ही विल बी एबल टू एक्सप्लेन अस बेटर। सो लेट्स हियर इट फ्रॉम हिम। हियर आई हैव विद मी उदित, हे, हु इज आवर होस्ट एट एका विला। सो वुड यू लाइक टू टेल अस समथिंग अबाउट दिस प्लेस? सो दिस मॉन्यूमेंट इज कॉल्ड बेबी ताज, और द एक्चुअल नेम इज इत्माद उद दौला। जो थे वो, he was a minister in the Mughal court and unki memory mein unki daughter Noor Jahan ke father the, unki daughter ne banwaya tha ye. And this is also known as Baby Taj because it is considered to be one of the inspirations of the Taj Mahal. Jo iski walls pe jo bahut hi detailed artwork hai jisko dur se dekha jaye to painting lagti hai, par paas se dekhenge to stone inlay hai sara, to wo became an inspiration for the lot of work that was done on the Taj Mahal. So that's why it's called the Baby Taj. And also I think because of the color and the structure, does it maybe. Yeah, it's made in marble, of course. Yeah. That's one of the most common resemblances, and a lot of the artwork that you will see on the walls here is also the same that you will see at the Taj Mahal. Wow. But in its own size, jo hai ye chai iska kafi chota, it's not as big as the Taj Mahal, but it's much more beautifully decorated. And it's also very empty relatively. Like I can't see any other tourists right now. A lot of people don't come here. Yeah. It's a very, bahut, agar if 100 people go to the Taj, maybe 10 of them will show up here. Yeah, correct. Which also makes it a great visit because it's very calm, it's very quiet. True. It's a very interesting experience, yes. Yeah. Like Sikandra, as I mentioned. True. So Sikandra, we're going to cover tomorrow. Let's go ahead and, you know more about this place. So, bhale iska naam Baby Taj hai, but, you know,
This is no baby Taj. It's marvelous. I would highly recommend covering this place when you're in Agra, especially because अभी सामने मेरी water body है, पीछे monument है, and there's literally nobody around, which obviously adds to the experience. So that way, it's amazing. Definitely a photographer's paradise because again, लोग नहीं हैं और frames बहुत सारे हैं यहाँ पे. Okay, so now we've made it to Mehtab Bagh, जहाँ से ताज व्यू पॉइंट है, एंड यू कैन लिटरली सी द ताजमहल राइट देयर. इट्स सच एन अमेजिंग व्यू पॉइंट. नेवर एंड विटनेसिंग द चेंजिंग कलर्स ऑफ द स्काई राइट अबव द ताजमहल वॉज अ परफेक्ट वे टू एंड द इवनिंग, आफ्टर विच वी हेड बैक टू द प्रॉपर्टी. तो जब भी मैं किसी नई जगह जाती हूँ तो टूरिस्ट अट्रैक्शंस के साथ साथ सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है वहाँ का मशहूर खाना खाने के लिए. एंड जब हम आगरा की बात करते हैं तो बहुत सी जगहें फेमस हैं, वन ऑफ देम इज चाट गली. और जहाँ चाट की बात हो वहाँ ज़्यादा देरी नहीं करनी चाहिए, तो मैं आपको लेकर चलती हूँ चाट गली और हम देखते हैं कि वहाँ ऐसा क्या है आखिर. Very crispy, like you said, very crispy. Good. Yeah, so this is like a old traditional style of kulfi that is served in Agra. You have faluda, you have kulfi in this, there is rabdi and there is homemade ice cream which is topped off with roo afza. That sounds super awesome and I can't wait to try it. Wow. आगरा बियॉन्ड ताज का मतलब ये नहीं है कि हम ताज नहीं देखने वाले. इट्स जस्ट वॉचिंग ताज फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स एंड डिफरेंट लोकेशंस. सो लेट्स गो.